स्टिक डायग्राम ऑफ एनमॉस इन्वर्टर। एनमॉस इन्वर्टर की हम डेरिवेशन कर चुके हैं, उसका डायग्राम भी कर चुके हैं। देखिए जब हम इसके स्टिक डायग्राम्स करते हैं, हमें जानते हैं कि इसकी फोर बेसिक लेयर्स होती हैं, एन डिफ्यूजन, पी डिफ्यूजन, पॉलीसिलिकॉन मेटल, क्योंकि जब हम स्टिक डायग्राम की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एनमॉस इन्वर्टर की, तो उसमें पी सबस्ट्रेट होता है और एन की डिफ्यूजन होती है। तो देखिए ये जो स्टिक डायग्राम है, ये ले इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एनमॉस इन्वर्टर का स्टिक डायग्राम कैसे बनाना है? सिर्फ जो स्टिक डायग्राम होता है उसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका सर्किट। ये है एनमॉस इन्वर्टर का सर्किट। इसमें क्या है, देखिए हम पहले भी ये कर चुके हैं। इसमें यहां से वीडीडी सप्लाई है, ये ग्राउंड है, ये इनपुट वोल्टेज है और यहां से आउटपुट आएगी। इसमें दो ट्रांजिस्टर लिए गए हैं, एक ट्रांजिस्टर तो है जो कि एनहेंसमेंट मोड में है, दूसरा डिप्लीशन मोड में है। ये सब कुछ मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, क्या डिफरेंस है एनहेंसमेंट और डिप्लीशन मोड में, ये सब कुछ हो चुका है। तो अब हम इसका स्टिक डायग्राम बना रहे हैं। जब भी आप इस किसी भी चीज का स्टिक डायग्राम बनाओ, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका सर्किट डायग्राम, क्योंकि सर्किट डायग्राम के बिना आप इस चीज का स्टिक डायग्राम नहीं बना सकते, ठीक है ना। अगर आपको सर्किट डायग्राम आपको आता है, तो स्टिक डायग्राम बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अब देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या है, बेसिक लेयर्स होती है पॉलीसिलिकॉन वगैरह की। देखिए मेटल, ये जो हमने नीचे दिया गया जो मेटल है, हमने जब स्टिक डायग्राम के सिंबल्स किए थे, तो उसमें ये किया था कि एनमॉस में, एनमॉस इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, तो मैंने एनमॉस का ही स्टिक सिंबल्स डायग्राम लिए हैं, ठीक है। और जब उसमें हम मेटल लेते हैं, एनमॉस में मेटल लेते हैं, वो ब्लू कलर का लेते हैं, ठीक है। मेटल वन जो कि ब्लू कलर का होता है, उसकी जो स्टिक एनकोडिंग होती है वो ब्लू कलर की होती है। और मेटल कौन सा होगा, वीडीडी ये वाली, और ये जो स्टिक होगी ये मेटल की होगी। तो इनको हम ब्लू कलर का लेंगे, जो वीडीडी और ग्राउंड है ये दोनों ब्लू कलर की होंगी, ये मेटल होगा वीडीडी और ग्राउंड, क्योंकि क्या है कि ये मेटल की स्ट्रिप होती है, तो इसको हम लेंगे ब्लू कलर का। इनको कलर के अकॉर्डिंग देना बहुत जरूरी होता है, और ये स्टैंडर्ड होते हैं कि ब्लू ही कलर का होता है। स्टिक डायग्राम में क्या होगा, सबसे पहले हमने ये चीज ले ली। अब सेकेंड केस होता है कि इसके बीच का कनेक्शन, अब यहां से यहां तक का कनेक्शन भी है, वीडीडी से ग्राउंड के बीच का कनेक्शन है। वो कनेक्शन कौन सा है, वो कनेक्शन है एन डिफ्यूजन का, क्योंकि एन इन मोस इन्वर्टर की बात हो रही है, तो एन मोस इन्वर्टर में पी सबस्ट्रेट होते हैं जिसमें एन की डिफ्यूजन की जाती है, और जो एन की डिफ्यूजन है एन मोस इन्वर्टर में वो ग्रीन कलर की होती है, जो उसकी स्टिक एनकोडिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है। यानी इनके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्यों होगी, ग्रीन कलर की। ये इसका मास्क लेआउट है, ठीक है, हम स्टिक डायग्राम कर रहे हैं, तो इसके बीच में एक ग्रीन कलर की लाइन को ड्रॉ किया जाएगा। देखिए इसे कलर में पहले ही कह रही हूँ कि स्टैंडर्ड है, ये ग्रीन कलर का ही होगा, और जो वीडीडी और ग्राउंड है वो मेटल के होते हैं, ये ब्लू कलर के ही होते हैं, तो ये ग्रीन कलर का होगा। अब सेकंड ये केस ये भी फिनिश हो गया। सबसे पहले हमने ये जो एक तरह से बेस मान लीजिए और बीच में इनका कनेक्शन मान लीजिए, तो ये मेटल का है और ये एंड डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें दो केस हैं, ये तो हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे ये यहाँ पे कनेक्टेड भी तो है ग्राउंड, ये चीज यहाँ पे कनेक्शन भी तो है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे कनेक्शन है, तो इसको कॉन्टेक्ट कट बोलते हैं। तो कॉन्टेक्ट कट जो होते हैं वो ब्लैक कलर के डॉट से दिए जाते हैं। ये भी मैं आपने ये सारे जो एन मोल्स का जो स्टिक एनकोडिंग की थी उसमें मैं सारे करवा चुकी हूँ पहले ही। तो कॉन्टेक्ट कट जो होते हैं वो ब्लैक कलर के और सर्कुलर में होते हैं स्टिक एनकोडिंग में। अब देखिए इसमें दो ट्रांजिस्टर है, एक तो एनहेंसमेंट मोड में है, एक डिप्लीशन मोड में है। ये है एनहेंसमेंट मोड में और ये है डिप्लीशन मोड में। एनहेंसमेंट मोड में इनपुट वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड की गई है, और डिप्लीशन मोड में यहां से हमने यानी कि गेट से सोर्स से आउटपुट ली गई है। लेकिन ये कैसे ली गई है और इनका कनेक्शन हम स्टिक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने डिप्लीशन मोड की। डिप्लीशन मोड ये वाला मोड जिसमें एक छोटी सी इम्प्लांट बना हुआ है, चैनल बना हुआ है।
अब इन दोनों मोड में जो हम डिप्लीशन ट्रांजिस्टर को सबसे पहले दिखाएंगे, डिप्लीशन ट्रांजिस्टर को सबसे पहले दिखाने के लिए उसके फीचर, जो फीचर स्टिक होता है उसके थ्रू दिखाया जाता है। फीचर स्टिक भी एनमोस के स्टिक एनकोडिंग में किए हुए हैं। तो अगर हम एन डिप्लीशन की बात करते हैं, एन डिप्लीशन मोड की बात कर रहे हैं, डिप्लीशन के केस में जो फीचर स्टिक होता है वो ग्रीन कलर की लाइन, यानी ग्रीन कलर की लाइन जो कि एन डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रही थी, हमने इसके बीच का कनेक्शन दिया था एन डिफ्यूजन का, ठीक है, उसके ऊपर रेड कलर की लाइन होगी, और रेड कलर की लाइन के इन दोनों जहां पे ये क्रॉस होंगे उसके ऊपर एक येलो कलर का स्क्वायर बॉक्स होगा। ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा फीचर स्टिक की, यानी कि एंड डिप्लीशन मोड को, यानी कि इस मोड को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका कनेक्शन कैसे देंगे, देखिए इसका कनेक्शन इस तरह से देंगे। देखिए इसमें क्या क्या किया गया है, ग्रीन कलर की लाइन हमारे पास थी ही, हमने पहले ही ड्रॉ कर रखी थी, तो ये अब इसके ऊपर एक रेड कलर की क्रॉस लाइन लगानी थी, हमने यहाँ पे एक रेड कलर की क्रॉस लाइन लगाई और उसके ऊपर एक स्क्वायर येलो कलर का स्क्वायर दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, डिप्लीशन को। और इसके अलावा ये कनेक्शन क्यों दिया गया है, यहां से देखिए ये जो है यहां से यहां पे कनेक्टेड है, और ये एक बरिड कनेक्शन है, बरिड कनेक्शन जो दबा हुआ कनेक्शन होता है, ठीक है ना, एक बरिड कनेक्शन होता है, इसीलिए बरिड कनेक्शन को ब्राउन कलर का डॉट दिया गया है, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है तो इसी वजह से इसको इसके साथ कनेक्ट किया गया है। अब ये तो हो गया डिप्लीशन, डिप्लीशन का काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है एनहेंसमेंट मोड। एनहेंसमेंट मोड में क्या होता है, अगर एन टाइप का डिप्लीशन मोड ये है तो एनहेंसमेंट मोड क्या है, एनहेंसमेंट मोड में सिर्फ ये येलो कलर का बॉक्स नहीं होता, बाकी सर्किट सेम रहता है, सिर्फ येलो कलर का बॉक्स नहीं होता। मैंने क्या कहा, सिर्फ येलो कलर का बॉक्स नहीं होता, यानी कि ग्रीन और रेड क्रॉस लाइन होती है, ग्रीन तो यहाँ पे दी ही गई है क्योंकि एनहेंसमेंट मोड हमने नीचे बनाना है और यहाँ पे बनाना है, तो ग्रीन तो यहाँ पे दी ही गई है, और यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आएगी, और ये लाइन जहां से इनपुट जाएगी, और इसकी लेंथ और विड्थ जो रेशियो होती है LW लेंथ विड्थ रेशियो 1:1 की होती है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर की लेंथ विड्थ रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट भी आ गई, ठीक है, इनपुट आ गई, हमारा कौन सा मोड, एनहेंसमेंट मोड भी बन गया, डिप्लीशन मोड भी बन गया। अब क्या रह गया है, आउटपुट वोल्टेज। देखिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ मेटल से ही ली जाती है, जो कि ग्रीन कलर के मेटल, जो ग्रीन यानी कि एन डिफ्यूजन जो होता है ना, उससे ग्रीन कलर के, यहाँ पे मेटल ब्लू है, ग्रीन कलर के जो एन डिफ्यूजन, वहां से ही आउटपुट ली जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कनेक्टेड जरूर है, लेकिन ये जो कनेक्शन होता है एक बरिड कनेक्शन होता है, ये एक सेपरेट कनेक्शन होता है, दबा हुआ कनेक्शन जिसे बोलते हैं, तो इसी वजह से इसे अलग लिया गया है और इसे अलग लिया गया है, यही डिफरेंस है। तो इस तरह से ये जो चीज है, ये जो फिगर है, ये फिगर सिंबल है, ये अलग चीज है, और ये क्या है, इसके ये फीचर सिंबल है, और इसका जो फीचर है, फीचर स्टिक है, फीचर सिंबल है, और फीचर मास्क है, ये सब चीजें अलग अलग है। हम स्टिक डायग्राम की बात करें तो फीचर स्टिक को ले रहे हैं, ठीक है, तो स्टिक में हम इसको इसी तरह से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्टिक डायग्राम होता है एनमोस इन्वर्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।